अभी शाम के 7 बजे, 7:15 बजे यहाँ पे ना अभी नाइट शो चालू होएगा, लेज़र शो, स्टैचू ऑफ यूनिटी का लेज़र शो स्टार्ट होएगा। ये पूरा लाइटिंग किया है उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी। लाइट चालू हो गई अभी, अब यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट होएगा। जैसे कि कल नर्मदा आरती के टाइम पे भी जो लेज़र शो हुआ था उस टाइप का इधर कुछ होगा। अभी उसका मैं फुल रिकॉर्डिंग निकालूंगा अभी और फिर मैं आपको भेजता हूँ। मैं आपको, आप जुड़े रहो हमारे से, जुड़े रहो। ये नाइट शो है ना, आप वहाँ पे बैठ के भी देख सकते हो और पीछे हेलीपैड पे भी जा सकते हो और वहाँ पे भी चेयर्स और वो सब रखे। पर एक्चुअली मेरा कल गलती हो गया, मैंने बुकिंग के टाइम पे उसको सिलेक्ट नहीं किया। वो फ्री रहता है, जब यूनिटी की बुकिंग कराते आप SOU की, तो उसके साथ में आपको सिलेक्ट करने का रहता है कि आपको नाइट शो कहाँ बैठ के देखना है। तो मैंने कल देखा नहीं था, अभी यहाँ पे बस स्टॉप पे भी खड़े खड़े देख सकते हो। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ इसलिए यहाँ पे, वहाँ पे कुछ म्यूज़िक भी चालू किया साथ में, उसके साथ में लेज़र शो के साथ साथ में। खैर ठीक है, ऐसे भी मेरे को है ना वहाँ पे खड़े रह के, मैं अगर मैं इसका वीडियो शूटिंग निकालता था तो मेरे को कॉपीराइट इश्यू आता है। मैंने जैसे कल भी मैंने जो पूरा दिन का वीडियो निकाला था, अभी उसको मेरे को एडिट करना पड़ा, उसके अंदर कॉपीराइट क्लेम आता है क्योंकि वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास दिन भर मूवीज़ के गाने चलते रहते हैं, तो वो उसको अपलोड करते तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है हम लोग को। तो इसमें म्यूज़िक नहीं आएगा तो मेरे को कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। अभी आपको म्यूज़िक के साथ इंजॉय करना है तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा।
ये हम लोग ने एक्चुअली बस स्टॉप यहाँ पे जो पार्किंग है, बस पार्किंग, वहाँ से खड़े रह के वीडियो निकाला। एक्चुअली कल मैं जैसे बोला कि मेरा बुकिंग, टिकट बुकिंग के टाइम पे बहुत गया। आपको ये सब का टिकट है ना, SOU का एप्लीकेशन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, उस पर आप हर एक बुकिंग कर सकते हो। और आप टाइम से पहले बुकिंग कर दोगे ना, जैसे कि एक दो दिन पहले बुकिंग कर दोगे तो आपको 380 में आपको गैलरी व्यू का मिलेगा टिकट। वही चीज़ अगर आप सेम डे बुकिंग करने जाओगे तो 1000 रुपया हो जाता है, तो रेट बढ़ जाता है। तो एक दिन पहले आप जब घर से निकलो या एक दो दिन पहले आप बुकिंग करके ही आओ तो आपको, और ये हर एक चीज़ का बुकिंग आप कर सकते हो आप, जैसे कि ये गैलरी व्यू है, फिर उसके बाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी में ये लाइट शो है, फिर उसके बाद में अपना ज़ू है, सफारी, जैसे सफारी है, फिर उसके बाद में ग्लो गार्डन है, रिवर राफ्टिंग है, हर एक चीज़ का बुकिंग आपको ऑनलाइन उन लोग के ऐप पे हो जाता है, एकदम इजी है, तो कन्वीनियंस भी हो जाता है, टाइम स्लॉट्स भी दिए है आप बुकिंग करके। अभी जैसे मैंने कल बुकिंग के टाइम पे मैंने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया कि भाई उसके पे ये टाइम स्लॉट, जो नाइट लेजर शो का भी टाइम स्लॉट उसमें सिलेक्ट करने का रहता है, वो आप जब वो 370 का टिकट लेते हो तो उसके साथ में फ्री ही रहता है ये। तो वो आप बुकिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर मेरे जैसा आपको बाहर खड़े रह कर देखना पड़ेगा सर। उसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं कि आपको वहाँ पे यूनिटी के पास बैठ के देखना है या ये यहाँ पे हेलीपैड है, हेलीपैड पे जाके देखना है।
तो ये लेज़र शो है। अभी एक्चुअली मैं जैसे बोला मैंने आपको कि ये बुकिंग के टाइम पे मेरा थोड़ा गलती हो गया था कि मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया था। फ्री रहता है वो, जब आप यूनिटी का बुकिंग करते हो तो साथ में फ्री रहता है, तो वो मैंने बुकिंग के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप जब भी बुकिंग करो, इसका एप्लीकेशन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, तो वो उस पर एप्लीकेशन पर आप बुकिंग कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला आपको, दो एक दो दिन पहले बुकिंग करोगे तो रेट भी आपको सही मिलेगा, नहीं तो फिर लास्ट दिन पे बुकिंग करोगे तो आपको गैलरी व्यू का 1000 रुपये होता है और वही चीज़ आपको 370 में मिलता है टिकट, 370-380 में। तो वो और उसमें बने ऑप्शन दिया रहता है कि आपको साथ में नाइट शो देखना है, नाइट शो तो लेजर शो, तो आपको कहाँ देख कहाँ बैठ के देखना है, आपको यहाँ पर फ्रंट में स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे बैठ के देखना है या तो फिर आप हेलीपैड पर जाके देखना है, तो आप वो सिलेक्ट करके आप वो कर सकते हो। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको वो सब दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर उसका डेमोन्स्ट्रेट नहीं मालूम पड़ रहा क्योंकि वो जो वहाँ पे स्पीकर्स यहाँ पे नहीं है, स्पीकर्स वहाँ पे है, तो उसमें वो कुछ बोलते हैं क्या, तो वो सुनना तो अपने को एग्जैक्ट नहीं मालूम। यहाँ पे तो इसका तो सिर्फ लाइट्स आ रही है और कलर चेंज हो रहा है वो अपने को दिख रहा है। तो अभी मैं मेरा ये वीडियो एंड, खुद से आओ और देखो, और मैंने बोला बुकिंग में ध्यान रखना। थैंक यू।